अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 9 है, जो चैप्टर का इंट्रोडक्शन होगा डायवर्सिटी अमंग एनिमल्स, ठीक है, फर्स्ट ईयर बायोलॉजी से। तो हम इसका इंट्रोडक्शन कर रहे हैं। किंगडम एनिमल, या आपने सुना होगा ये वर्ड एनिमल से, वो लैटिन वर्ड है एनिमा, ठीक है। वर्ड जो एनिमा मीन्स सोल आर ब्रीथ, ठीक है। जो वर्ड एनिमल है वो लैटिन वर्ड है एनिमा से निकला, जिसका मतलब सोल या ब्रीथ, सांस लेना। यहाँ जो है सोल मतलब का मतलब है कि इसमें जो है हमारे पास रूह को भी बोलते हैं, सही है। तो इनके सबसे पहले इनके कैरेक्टर पढ़ेंगे हम, और इंट्रोडक्शन इसका कैरेक्टर्स भी आपको याद रखने चाहिए। कैरेक्टर्स में आपको याद रखना है कि इसमें आपको याद रखना है कि ये जो है मल्टी सेल्यूलर है, मल्टी सेल्यूलर, ठीक है, मल्टी सेल्यूलर। दो ऑर्गेनिजम्स व्हिच आर कंपोज्ड ऑफ मेनी सेल्स आर कॉल्ड मल्टी सेल्यूलर। इसका दूसरा जो कैरेक्टर है यूकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक है। यूकैरियोटिक दोस एनिमल्स हैविंग टू न्यूक्लियस इन देयर सेल्स आर कॉल्ड यूकैरियोटिक सेल, या आप याद रखना है। तीसरा जो कैरेक्टर है इसका, ये हेटेरोट्रोफिक है, हेटेरोट्रोफिक है। Heterotrophic is different class of nutrition. They can not make their own food because individual will be absent. That's why they are heterotrophic. That's why they gain food from other organisms. That's why they are called heterotrophic. ये आपको याद रखना है। चौथा जो कैरेक्टर है वो sexual reproduction है। Sexual reproduction इसमें होती है male female जो gamete आपस में मिलते हैं, उसको बोलेंगे sexual reproduction। ये आपको याद रखना है। उसके बाद इनकी जो क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, एनिमल क्लासिफिकेशन के बारे में मैं आपको ट्रिक देता हूँ कि आपको ये फाइल के नाम इनको याद रखना, ठीक है। क्लासिफिकेशन में देर आर 33 फाइला, बट वी स्टडी ओनली मेजर 9 फाइला, ठीक है, व्हिच आर इन फ्रंट ऑफ यू। मैं आपको एग्जाम लिख के दे रहा हूँ कि क्लासिफिकेशन में टोटल 33 फाइला है, लेकिन हम जो 9 मेजर फाइला पढ़ते हैं इनके नाम कैसे याद करें, बिल्कुल एक देसी ट्रिक है। मैं आपको बताता हूँ, एक सेंटेंस लिखूंगा सारे फाइलों के नाम याद हो जाएंगे। कौन सी ये ट्रिक है मैं आपको बताता हूं, पावरफुल केट प्लेसड एन एप्पल अराउंड माउस अर्ली चॉइस। ये सेंटेंस याद रखोगे सारे फाइलों में याद हो गए, एकदम देसी ट्रिक है, ठीक है। यहाँ पे जो है पावरफुल का मतलब है फाइलम पोरिफेरा पोर बियरिंग एनिमल्स, फाइलम पोरिफेरा पोर बियरिंग एनिमल्स, दे आर कॉमनली कॉल्ड पोर बियरिंग एनिमल्स। दूसरा फाइलम जो हमारे पास है कैट्स है, नाइडेरिया नाइडेरिया, ठीक है, याद रखना है कॉमनली कॉल्ड सेलेंट कैट्स। तीसरा जो है प्लेसिड का मतलब है प्लेटी हेलमेंटिस, प्लेटी हेलमेंटिस, ठीक है, फ्लैट वर्म्स, दे आर कॉमनली कॉल्ड फ्लैट वर्म्स। एंड का मतलब है एस्केलमेंटिस, एस्केलमेंटिस कॉमनली कॉल्ड राउंड वर्म्स, आगे हर फाइलम को पढ़ेंगे। एप्पल का मतलब है एनिलिडा, फाइलम एनिलिडा, अरेंजमेंट इन रिंग्स, ठीक है, कॉमनली कॉल्ड सेगमेंटेड वर्म्स एनिलिडा। उसके बाद अराउंड का मतलब है फाइलम आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रो मींस जॉइंटेड पोडा मींस फीट, दे आर कॉमनली कॉल्ड जॉइंटेड फीट एनिमल्स। माउस का मतलब है फाइलम मोलस्का, फाइलम मोलस्का, दे आर कॉमनली कॉल्ड सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स, ठीक है। अर्ली का मतलब है फाइलम आखाइनोडर्माटा, आखाइनोडर्माटा, ठीक है, कॉमनली कॉल्ड स्पाइनी स्किन स्टारफिश जैसे आती है। चॉइस का मतलब है फाइलम कार्डेटा, फाइलम का डेटा, ये जो फाइलम है आपको नाम याद रखने, ठीक है, एकदम देसी ट्रिक है, ठीक है। पोलिफेरा, नाइडेरिया, प्लेटेलमेंटिस, एस्केलमेंटिस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, आर्कनोडर्माटा, अवर्टिब्रेटा या कार्डेटा, ये आपको नाम याद रखने। तो आगे जाकर एक फाइलम को जो है डिफाइन करेंगे, आज के लिए आपके लिए काफी है। इनकी जो है क्लासिफिकेशन, इनके करेक्टर आपके सामने, ठीक है, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।